हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ रंजना और आज हम असाइनमेंट 5 करेंगे और लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट। मेटल आर यूजली ट्रांसपेरेंट बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ द बैंड गैप। दिस इज अ फॉल्स बिकॉज हमें पता है कि मेटल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक होता है, दैट्स वाई ये फॉल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लार्ज द बैंड गैप ऑफ द मोर इंसुलेटिंग द मटेरियल। ये बात सही है क्योंकि हमें पता है जो इंसुलेटर होता है उसमें बैंड गैप ज़्यादा होता है, बैंड गैप ज़्यादा होने की वजह से वो इंसुलेटिंग जैसे ट्रीट होता है, दैट्स वाई यह ट्रू होगा। थर्ड पे आते हैं। द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल इन द मेटल एट द 0 केल्विन इन द फर्मी लेवल, दिस इज ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन पे, फॉर द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होती है, द फॉर्मी एनर्जी इज अ हाफ ऑफ द बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। चौथे का जवाब सही होगा क्योंकि हमें पता है जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होती है उसकी जो फॉर्मी लेवल होती है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में होती है, दैट्स वाई ये ट्रू हो रहा है। फिफ्थ पे आते हैं। द फॉर्मी एनर्जी रिप्रेजेंट द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज ट्रू। ये हमने लेक्चर में देखा था और दिस इज ट्रू। सिक्स पे आते हैं। देयर इज अ मोर एनर्जी विजुअल पार्ट ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम रिलेटेड टू IR पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये फॉल्स होगा क्योंकि हमें पता है कि जो विजुअल पार्ट होता है वो केवल 44% ही 44% होता है और जो IR का जो पार्ट होता है 53% होता है। और आप इसको देख सकते हैं लेक्चर नंबर 13 में, इसको क्लियरली प्रोफेसर ने बताया है और दैट्स वाई यह फॉल्स होगा क्योंकि हमें पता है कि जो IR का जो पार्ट होता है स्पेक्ट्रम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द विजुअल पार्ट। और सेवन पे आते हैं। द डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर आर द बेटर सुटेड फॉर द सोलर सेल एप्लीकेशन देन द इनडायरेक्ट गैप ऑफ द सेमी कंडक्टर, दिस इज़ ट्रू बिकॉज हमें पता है कि जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में डायरेक्टली चला जाता है और दैट्स वाई यह वेल सूटेड होता है फॉर द सोलर एप्लीकेशन, दैट्स वाई यह ट्रू हो रहा है। एट पे मूव करते हैं। एट क्वेश्चन में बोल रहा है स्पेस चार्ज रीजन इन द PN जंक्शन ये आल्सो रिफर एट द कंसनट्रेशन रीजन ड्यू टू द बुल्ट ऑफ एंड चार्ज देयर। यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था जो स्पेस चार्ज रीजन होता है उसको हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन रीजन लिखा है, दैट्स वाई यह गलत होगा। नाइन्थ में मूव करते हैं। द स्पेस चार्ज रीजन इज ऑलवेज इक्वल टू विथ ऑफ द PN जंक्शन, स्पेस चार्ज जो रीजन हमेशा ही इक्वल विड्थ का होता है, ये गलत है क्योंकि ऑलवेज नहीं होता है, यहाँ पे चेंज वेरी करता है, दैट्स वाई ये फॉल्स होगा। और टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। और हम लोग ने लेक्चर नंबर 15 में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि जुलास्की जो प्रोसेस होता है उससे हम लोग सिंगल क्रिस्टल क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पे बोल रहा है एमार्फस सिलिकॉन टिपिकली मेड बाय यूजिंग द जुलास्की प्रोसेस, ये गलत है क्योंकि एमार्फस जो होता है सिलिकॉन बनाने के लिए हम CVD प्रोसेस यूज करते हैं, ना कि हम लोग जुलास्की प्रोसेस में सिंगल क्रिस्टल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट्स वाई ये फॉल्स होगा। और फाइनली यहाँ से आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर लीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।